और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका आगामी ग्रुप डी का भर्ती का नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपका अक्टूबर मंथ में यहाँ पे उम्मीद है कि आपका रेलवे ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो जाएगा। और ऐसा यहाँ पे पूरा पूरा उम्मीद है कि आपका 80,000 से लेकर 1,00,000 के बीच आपका कुल पदों की संख्या होने वाली है इस बार रेलवे ग्रुप डी के भर्ती में, लेवल वन की भर्ती में। और इस बार आपका आईटीआई कंपलसरी हो गया है। जितना भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कैटरिंग, इन सभी डिपार्टमेंट में आईटीआई कंपलसरी हो गया है, ठीक है। और सीसीए वाले जो भी छात्र हैं उनको 20% कोटा दिया जाएगा। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पर्टिकुलर रेलवे का एक आरटीआई रिप्लाई आया था जिसमें पर्टिकुलर उस डिवीजन के कितने कितने कैंडिडेट ने कहाँ से ट्रेनिंग किया सारा डिटेल हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर वो वीडियो आप चेकआउट नहीं किया तो में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे के एक और डिवीजन से आपका फाइनली आरटीआई का रिप्लाई ऑफिशियली आ गया है। और 18 से लेकर 24 तक में जितने भी कैंडिडेट ने सीसीए का कोर्स किया है वो सभी का डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ A to Z ऑफिशियली रेलवे का नोटिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पर देखने को मिलते रहते हैं। साथियों ये पहला आरटीआई है जो हम लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी एक बार जो नए साथी जुड़े होंगे उनके लिए एक बार बता देते हैं कि ये जो आपका आरटीआई का रिप्लाई आया था ईस्टर्न रेलवे का हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत यहां पे देखने को मिला था, जिसमें टोटल यहां पे जो कैंडिडेट है वो आपका देख लीजिए 296 कैंडिडेट जो थे वो आपका 20 से 21 तक में यहां पे 17-18 और 20 से 21 तक में यहां पे ट्रेनिंग को कंप्लीट किए थे। वहीं दूसरा जो यहां पे रिप्लाई है 43 कैंडिडेट जो थे वो आपका 23-24 सेशन के अंतर्गत यहां पे अप्रेंटिस का ट्रेनिंग कंप्लीट किए थे। मतलब आप ये समझ सकते हो कि 18 से लेकर 24 तक का पूरा ऑफिशियली डेटा के अकॉर्डिंग 339 ही छात्र ऐसे हैं जो यहां पे हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं एक्ट अप्रेंटिस का। तो देखिए फाइनली आपके सामने एक और रिप्लाई जो है वो भी आपका ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ही आया है। ये आपका दूसरा डिवीजन का जो आपका आरटीआई रिप्लाई है वो आ गया है। देखिए सीसीए का संख्या जानना इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि जब आपका अक्टूबर में भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपका आरआरबी वाइज 20% कोटा के अकॉर्डिंग सीटों का बंटवारा रहेगा। तो आप लोग को जब पता रहेगा कि भाई हम अगर ईस्टर्न रेलवे में फॉर्म भरेंगे तो ईस्टर्न रेलवे में टोटल कितने सीसीए छात्र हैं, या फिर अगर हम वेस्टर्न रेलवे से भरेंगे, साउदर्न रेलवे से भरेंगे तो वहां पर कितने सीसीए कैंडिडेट हैं, तो आपको एनालिसिस करने में फायदा मिलेगा कि कहां पर सीसीए का कटअप थोड़ा कम रह सकता है और कहां पे सीसीए का कटअप क्या रह सकता है। क्योंकि इस बार आपका 2019 का जैसा सिनेरियो रहेगा नहीं, इस बार आपका सीसीए का कटअप जो है 2018 और 19 की वैकेंसी से ज्यादा कटअप देखने को मिलेगा। और हम हर वीडियो में इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट देते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास टोटल सीसीए का यहां पर इंफॉर्मेशन रहेगा तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बोलते हैं ना कि 2,00,000 सीसीए हो गए, 3,00,000 सीसीए हो गए, आरटीआई का रिप्लाई जैसे जैसे ऑफिशियली आएगा यह भी क्लियर होते जाएगा कि कहां पर कितनी कितनी जो सीसीए के छात्र ट्रेनिंग किए हैं और ऑल ओवर इंडिया से कितने छात्र ऐसे हैं जो यहां पे 18 से लेकर 24 तक में सीसीए का ट्रेनिंग लिए हैं, ठीक है। इसलिए बेसिकली आप लोगों के सजेशन के अनुसार ही यहां पे 2018 से लेकर 24 तक का सीसीए को यहां पर ऑफिशियली आरटीआई लगाया जा रहा है। अब ये जो आपका रिप्लाई है वो आपका 4/7/2024 के डेट में यहाँ पे ऑफिशियली आया है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। ईस्टर्न रेलवे में बात करेंगे कौन सा यूनिट है वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इस यहां पे बात किया जाए ईस्टर्न रेलवे से लीलुआ की तरफ से अपडेट आ रहा। पहला अपडेट आपका हावड़ा से आया, दूसरा अपडेट आपका लीलुआ से आ गया। तो देखिए साथियों यहाँ पे अगर ईस्टर्न रेलवे लीलुआ के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल आपका 18 से लेकर 24 तक में जो सीसीए छात्र हैं वो मात्र आपका 463 ही छात्र हैं जिन्होंने 2018 से लेकर के 2024 तक में कोर्स कंप्लीट किया है ईस्टर्न रेलवे के लीलुआ यूनिट से। अब इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके सामने धीरे धीरे करके जो डेटा निकल के आ रहा, हालांकि देखिए ईस्टर्न रेलवे में डेटा थोड़ा कम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डीमेरिट है, इसीलिए यहां पे आपका जो डेटा है कम रहता है। क्योंकि देखिए वैकेंसी तो अच्छा खासा निकलता है हर साल, यहां पे 3,000 प्लस पोस्ट पे आपका एक्ट अप्रेंटिस भर्ती निकलता है, परंतु डीवी का जो डीवी मेरिट लिस्ट है उसमें बहुत डिले होता है और डीवी मेरिट लिस्ट में यहां पे 1.5 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। मतलब अगर 3,000 है तो यहां पे 4,500 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, परंतु
यहाँ पे सेकेंड राउंड का डीवी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीसीए कैंडिडेट बहुत कम देखने को मिलेगा अन्य डिवीजन के मुकाबले, क्योंकि यहाँ सेकेंड नहीं आता है, थर्ड नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डीवी और एक ही फाइनल ज्वाइनिंग का मेरिट आता है। अब देखिए 4500 यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो डीवी मुश्किल से मुश्किल अगर जाएंगे ना तो यहाँ पे आपका 1500 कैंडिडेट जाएंगे डीवी के लिए। सोच लीजिए 4500 को बुलाया गया पर 1500 कैंडिडेट ही डीवी में जाएंगे, और डीवी में जाने के बाद अगर यहाँ पे 1000 छात्रों का ज्वाइनिंग आया सातों यूनिट को मिलाकर, जमालपुर, आसनसोल, मालदा, हावड़ा, कंचना, पारस, यालदा, तो 1000 में से मात्र यहां पे ज्वाइनिंग करेंगे 600 या फिर आपका 700 बच्चे, ऐसे करके ज्वाइनिंग करते हैं। इसीलिए यहां पे नंबर ऑफ सीसीए कैंडिडेट अन्य डिवीजन के मुकाबले में आपको जो डेटा है वो कम देखने को मिलेगा। हालांकि ऑफिशियली देख लिया यहां पे बोला गया है कि टोटल सीसीए 2018 से 24 तक मात्र यहां पे 463 ही कैंडिडेट हैं जो 2018 से लेकर 24 तक सीसीए का कोर्स कंप्लीट किए हैं। ये ऑफिशियली रेलवे का आरटीआई डेटा है, ठीक है, इसमें ना मैं कुछ कह रहा हूं ना आप लोगों के कहने से होगा, जो रेलवे ऑफिशियली बोल रहा है वही ऑफिशियल डेटा को हम लेकर चलेंगे। तो अभी तक आप लोगों के सामने दो रेलवे का ऑफिशियल डेटा आ गया है, हावड़ा का और लीलवा का। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि आप रेलवे के किस डिवीजन से सीसीए का कोर्स कर रहे हैं या फिर कर लिए हैं, ताकि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि उसी डिवीजन में सबसे पहले आरटीआई लगाया जाए, और 1/3, 2/3 के ऊपर ऑलरेडी यहां पे आरटीआई रेलवे को लगाया गया है। जैसे कोई रिप्लाई आएगा, जैसे कोई अपडेट आएगा, तो आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। इस वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, तो रेलवे का पल-पल का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।